हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WBPSC के क्लर्कशिप का जो हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्लास नंबर 34 है। इसके पहले 33 क्लासेस हम करवा चुके हैं। इवन आप लोगों को PDF जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हो आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा चुके हैं, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लास्ट में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आज का होमवर्क था आप लोगों को मैंने दिया था, ये वाला पोर्शन दिया था, ये एक अनुच्छेद दिया था, ये आप लोग को पेड ग्रुप में दे दिया था, वहाँ पर बताया था क्या आप लोग को इसका एक सारांश लिखना है। देन बाद में आप लोगों को बता दिया मैं क्या इसका सारांश तो लिखोगे ही, इसके साथ और एक चीज़ ऐड कर लो, इसका ट्रांसलेट भी कर दो, तो क्या हो जाएगा आप लोग का दोनों क्लासेस एक साथ हो जाएंगे। तो वही चीज़ आप लोग का यहाँ पे मैंने सारांश तो लिखा ही है, लास्ट में आप लोग का यहाँ पे ट्रांसलेशन भी कर दिया है, दोनों चीज़ आप लोग का एक साथ कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो आप लोग को दिया है, दिए गए अनुच्छेद का सार लिखते हुए एक समुचित शीर्षक भी दीजिए। यहाँ पर आप लोग का एक सार लिखना है और सार के साथ आप लोग एक टाइटल, यानी कि सार को हम लोग क्या बोलते हैं, सारांश को लिख आप लोग समरी बोलते हो या तो प्रेसिव राइटिंग भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग को एक टाइटल देना है, प्रेसिव लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, उसके बाद आप लोग का सारांश मैं बताऊँगा कैसे करके लिखना है, ठीक है। तीन चार टॉपिक यानी कि टिप्स दूंगा, बहुत लोग नए हो, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो आप लोगों के लिए टिप्स दूंगा, और जो लोग पुराने हो आप लोगों को तो पता ही है क्या टिप्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक कार्य का एक अपना समय होता है, समय निकल जाने के बाद कार्य की ना कोई शोभा ही शेष रह जाती है और ना उसकी उपयोगिता। एक बार फसल सूख जाने पर फिर चाहे कितने भी वर्षा क्यों ना हो, उसे हरे भरे बनाए रखना कठिन होता है। समय पर रोगी को मामूली उपचार स्वस्थ बना सकता है, किंतु उचित समय गवा देने के बाद अच्छी से अच्छी औषधि भी निरर्थक ही सिद्ध होती है। तो यहाँ पे आप लोग का सिंपली बताया गया है कि समय रहते हम लोग का काम कर लेना चाहिए, ये चीज़ बताना चाहते हैं। जो चीज़ आप लोग को इस पैराग्राफ या पैसेज या अनुच्छेद जो भी बोलिए, इस अनुच्छेद में जो भी चीज़ वो लोग बताना चाहते हैं वो आप लोग को इनटेक करना पड़ेगा, क्या चीज़ वो लोग बताना चाहते हैं, ये एक हो गया। और तीन चार टिप जो है मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है, सारांश का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वर्ड्स, ठीक है। कितने वर्ड्स का वो सारांश है उसको आप लोग को 1/3 वर्ड में लिखना पड़ता है। 1/3 वर्ड यानी कि यहाँ पे मैंने गिन के आप लोग को दिया है कितना, 76 वर्ड्स में दिया है। अब 76 का 1/3 अगर आप लोग करोगे तो आप लोग का 25 अराउंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं सर हम वो लोग अगर वर्ड गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये कैसे करके रहेंगे? आप लोग को पूरा वर्ड्स नहीं गिनना, आप लोग को वर्ड सिर्फ एक लाइन का गिन लो, देन उसको कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे करके है। 18 इंटू 4 कर देंगे या 18 इंटू 5 कर देंगे तो आप लोग का अराउंड 90 वर्ड्स या 80 वर्ड्स के करीब आ जाएगा, जबकि ये आप लोग का वो कंप्लीट नहीं है। तो आप लोग इमेजिन जस्ट कर लीजिए, ये 80 वर्ड्स है तो हम लोग को कितना करना है, 25 या 28 के वर्ड्स के करीब आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का वर्ड काउंट कैसे करोगे। पूरा अगर गिनने गए ना तो 2-3 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा, और आप लोग के पास टाइम तो है नहीं, आप लोग को सिर्फ एक घंटा दिया जाता है 6 टॉपिक लिखने को, और सारांश आप लोग को 5 से 6 मिनट के अंदर लिख देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का ट्रांसलेशन लिखने में बहुत टाइम लगता है और रिपोर्ट लिखने में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि 150 से 200 वर्ड लिखना पड़ता है आप लोग को। तो यहाँ पे एक हो गया क्या, वर्ड काउंट उसको कैसे करके करोगे, और आप लोग को कितना वर्ड्स लिखना है, 1/3 वर्ड्स लिखना है। देन नेक्स्ट है सारांश का जो भाषा है वो क्या होना चाहिए। सारांश हम लोग जो लिखते हैं वो एज ए थर्ड पर्सन लिखते हैं, यानी कि कोई आप लोग को ने एक मूवी देखा, ठीक है, सारांश लिखोगे कैसे वो बता देता हूँ। जैसे आपने कोई एक मूवी देखा, देन दूसरा बंदा जिसने वो मूवी देखा नहीं है वो क्या बोलता है, फ्रेंड बताना ये मूवी कैसा है, तो आप क्या करते हो उसका जस्ट एक समरी दे देते हो, हाँ ये मूवी ऐसे करके आया था, ये सब हुआ था, ये सब अच्छा है, ऐसे करके आप बोल देते हो पूरा एकदम कम्प्लीटली, तो इलैबोरेट नहीं करते ना, बाय ब्रीफ आप लोग थोड़ा सा बता देते हो। तो वही क्या है, छोटे से करके आप लोग एज ए थर्ड पर्सन, मान लीजिए वो बंदा एक मूवी देखा, मान लीजिए वहाँ पे एक मूवी, यहाँ पे एक मूवी चल रहा है, ये मेरा उंगली है, यहाँ पे एक मूवी है और ये आप हो, आपने ये मूवी देखा, और यहाँ पे और एक बंदा है उसने पूछा कि क्या है वो मूवी कैसा है, तो आप लोग को जस्ट एज ए क्या ब्रिज यानी कि पुल के हिसाब से काम करना है, वो चीज़ आपको उसको बताना है एज ए थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को बताना है ताकि पूरा जो पैसेज है, पूरा जो आप लोग का पैराग्राफ है वो आप लोग को समझ में आ जाए, समझ में आया ये, तो यही है। तो सारांश लिखने का आप लोग का जो वर्ड होना चाहिए एज ए थर्ड पर्सन होना चाहिए, और आप लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, आप लोगों को जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं
उसी वर्ड्स का आप लोग प्रयोग कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट रिलेटेड टू दिस पैसेज होना चाहिए आप लोगों का। अलग से आप कुछ भी एक पैराग्राफ लेके उठा के लेके आ जाओगे, कोई मुहावरा लेके आ जाओगे या खुद का एक ओपिनियन दोगे, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग खुद का ओपिनियन नहीं दे सकते पैसेज में, प्रेसी में, सारांश में, कभी भी आप लोग खुद का ओपिनियन नहीं दे सकते। तो ये सब मैंने आप लोगों को क्या एक बता दिया टिप कि कैसे करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को सारांश लिखवाता हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पैसेज पढ़ा तो पैसेज में आप लोगों को पता ही चल रहा है क्या आप लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये कि जस्ट समय का सदुपयोग करके करना चाहिए, समय रहते हम लोग को काम कर लेना चाहिए। नहीं तो जो आप लोग का काम है समय रहते अगर नहीं किया तो व्यर्थ हो जाता है। यही चीज़ जस्ट बताना चाहते हैं, उसी चीज़ को आप अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में मतलब यह नहीं कि ऊपर जो आप लोग का ये सब दिया हुआ है यहाँ से कुछ भी मत लीजिए, ऐसा नहीं है। अपने शब्दों में लिखना यानी कि यहाँ से ही आप लोगों को कुछ कॉपी करके, सब कुछ कॉपी नहीं करना, कुछ लिख के आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, कुछ लेके यहाँ पे लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक लाइन आप लोगों ने कॉपी कर दिया, फुल कॉपी पेस्ट प्लीज़ मत कीजिएगा। फुल कॉपी पेस्ट जैसे ही आप करते हो एग्जामिनर तभी आपका मार्क्स काट देता है, तो आप लोगों को 15 में से मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स मिलेगा, कभी कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे है समय का, सबसे पहले क्या आप लोग को एक शीर्षक देना था यानी कि टाइटल देना था, तो उसका क्या हो जाएगा, समय का समुचित सदुपयोग। नहीं तो आप लोग समय का सदुपयोग कुछ भी लिख सकते हो, बहुत लोग मेरे को पर्सनली सेंड किए हो तो मेरे को अच्छा लगा है। तो सबसे अच्छा मेरे को रूबीना का लगा, उसने एकदम सिम जो मैंने लिखा है वही सेम उन्होंने लिखा है, तो उनका बहुत बढ़िया लगा। बाद बाकी आप लोगों ने सब लिखा है बट थोड़ा सा वर्ड काउंट बढ़ा है, वर्ड काउंट थोड़ा सा देख लीजिए, उतना ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाद बाकी सबका ऐसे नॉर्मली ठीक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले समय का समुचित सदुपयोग मैंने क्या दिया आप लोग का टाइटल दिया, उसका देखिए प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है। फर्स्ट लाइन या फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट में क्या है, हमें उसी अवसर पर सारे कार्य का कर देने चाहिए वरना बाद में सारे प्रयत्न बेकार जाते हैं। बस इतना सा मैंने लिखा, इतने से वर्ड में ही आप लोगों को क्या 25 वर्ड्स हो गए और वहाँ पे आप लोगों को 76 वर्ड्स थे। तो ये क्या हो गया, 1/3 वर्ड्स के अंदर भी हो गया, इवन क्या जो बोलना चाहते हैं वो उस पैराग्राफ में वो भी समझ में आ गया, इवन क्या है मैंने पूरा कॉपी पेस्ट भी नहीं किया है और ऐसा भी नहीं है कि अलग से खुद से वर्ड्स कुछ दे दिए, यहीं कई वर्ड्स मैंने यूज़ करके यहाँ पे लिखे हैं। तो 3-4 चीज़ मैंने एक साथ कर दिया और एज ए थर्ड पर्सन यानी कि वो चीज़ जो सेम बोल रहा है वैसे उसी सेम भाषा में नहीं होना चाहिए, एज ए थर्ड पर्सन यानी कि किसी और को, यानी कि एग्जामिनर को, आप एग्जामिनर ने ये आप लोगों को पैसेज दिया है, अब क्या कर रहे हो एग्जामिनर को आप ये वाला पैसेज पढ़ने दे रहे हो, तो ये एज ए थर्ड पर्सन आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का समय का सदुपयोग सारांश। तो यहाँ पर आप लोग का सारांश का क्लास कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, अभी मत जाइए, नेक्स्ट में आप लोगों को ट्रांसलेशन भी है, ये थोड़ा सा बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे तो अपने लाइक्स एंड सब्सक्राइबर तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, अगर थोड़ा सा बढ़ा नहीं हुआ तो सब लोग सोचेंगे छोटा मोटा चैनल है कुछ पढ़ा नहीं सकता। तो वही क्या है आप लोग का, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ही पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और जो भी आपको इंक्वायरी करना है, जो भी आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओनली वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है, बाहर का मैं उतना नहीं बता सकता, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मेरे को आप लोग पूछ सकते हो, 24/7 में आप लोग का रिप्लाई देते रहता हूँ। तो नेक्स्ट जो है यही जो पैसेज है इसका मैं आप लोगों को ट्रांसलेट अप करवाऊँगा, ट्रांसलेट मतलब हिंदी में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवाद बोल देते हैं, पसीना हो गया है, जो भी है। तो यहाँ पे अनुवाद क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये जो आप लोग का हिंदी में दिया था उसको ही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो देखते हैं, प्रत्येक कार्य का एक अपना समय होता है, इसको आप हिंदी जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ईच टास्क हैज़ इट्स ओन टाइम, अपना टाइम, अपना टाइम आएगा वो नहीं, ऐसे नहीं, अपना समय यानी क्या होता है, ओन टाइम, ठीक है। और प्रत्येक मतलब ईच हो जाता है, कार्य को हम लोग टास्क बोल देते हैं, ईच वर्क भी बोल सकते हो, ईच वर्क हैज़ इट्स ओन टाइम, ऐसे करके आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है, समय निकल जाने के बाद कार्य की ना कोई शोभा ही शेष रह जाती है और ना उसकी उपयोगिता, ये आप लोग का ट्रांसलेट होगा। आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम यानी कि समय निकल जाने के बाद, देर इज़ नो ब्यूटी ऑफ वर्क और इट्स यूजफुलनेस, अब कितना भी अच्छा काम करे समय अगर निकल गया तो आप लोग का उस काम का कोई मतलब ही नहीं होता, वो एकदम फ्रूटलेस हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है,
एक बार फसल सूख जाने पर फिर चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो उसे हरी भरी बनाए रखना कठिन होता है। तो ये होगा वंस द क्रॉप इज ड्राई एंड देन नो मैटर्स हाउ मच इट रेन्स इट इज डिफिकल्ट टू कीप इट ग्रीन। इसका ये आप लोग का ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले ये वाला ट्रांसलेट कर दूँ उसके बाद मैं बता देता हूँ। समय पर रोगी को मामूली उपचार स्वस्थ बना सकता है किंतु उचित समय गवा देने के बाद अच्छी से अच्छी औषधि भी निरर्थक ही साबित होती है यानी कि सिद्ध होती है। तो समय रहते उसको क्या मामूली से उपचार को क्या बोल देंगे मॉडरेट ट्रीटमेंट। ठीक है, मॉडरेट ट्रीटमेंट कैन मेक द पेशेंट हेल्दी ऑन टाइम बट आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम इवन द बेस्ट मेडिसिन टू बी यूजलेस। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछते हो सर ट्रांसलेशन में हम लोग क्या कोई टाइटल देंगे, जब आप लोग ट्रांसलेशन लिखोगे ऐसे तो नहीं लिखते ना ट्रांसलेशन, आप लोग क्या करते हो वहाँ पे फुल एक पैराग्राफ दिया उसी पैराग्राफ को आप लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करते हो, तो वहाँ पे कोई आप लोग को टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है यहाँ पे आप लोग खुद से अपना कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे जैसे वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं वैसे वर्ड्स आप लोग को इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में तो वैसे कोई वो नहीं देखना पड़ता, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है इंग्लिश में उसको आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जो हिंदी में दिया उसे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अब लास्ट जो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हम लोग पेड कोर्स तो करवा ही रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन भी हो चुके हो, अराउंड 170 प्लस ज्वाइन हो चुके हो। अगर आप लोगों को मेरे कोर्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग 2 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये पर्सनल नंबर है 9609711 होगा, यहाँ पे गलत टाइप है 9609714558, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड कोर्स अगर ज्वाइन होना है तो 2 मंथ्स में हम लोग सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको जितने भी बुक्स के PDF से सब फ्री मिलते हैं। जैसे लीला के रॉय का एक बुक है उसका मैं PDF दे चुका हूँ इंग्लिश वाला वर्जन। देन उसके बाद ये शाह का जो बुक है 59 रुपीज़ का ऑनलाइन में जो बिक रहा है वो भी मैं दे चुका हूँ। ऐसे करके आप लोग को बहुत सारे बुक्स मिलते रहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा फट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, सो थैंक यू।